अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं नेक्स्ट पार्ट ज़रूर बनाऊंगा। तो ये कल हमने छत की भराई की थी, आज इसके साथ ना ये एक ईंट लगा रहे हैं ताकि पानी जो है ना इसके ऊपर जमा कर सकें, क्योंकि ये जो आरबीसी छत होती है इसको कम से कम 10 से 15 दिन, इंजीनियर तो कहते हैं 25 दिन एक महीना, लेकिन 10 दिन मैक्सिमम इसमें पानी रहना चाहिए, चार चार पाँच पाँच इंच। तो हम इसलिए ये 4 इंच लगा रहे हैं। और ये भी भाई मिस्त्री हैं, और आपको मज़दूर कोई भी नज़र नहीं आएगा क्योंकि मज़दूर ख़ुद वीडियो बना रहा है, समझ तो गया ही हो गए। और ये जो हमने ये आप देख रहे हैं स्टील सरिया, ये छोड़ा हुआ इसलिए कि इसके ऊपर इसको थोड़ा सा बैंड करके 3 फुट की इसके ऊपर पर्दी लगेगी। ये साथ में ये देखना, ये साथ में टीप बोल रहे हैं या प्लस्टर कर रहे हैं कि पानी नहीं निकले, ये यहाँ से ना पानी लीक नहीं हो। अभी तकरीबन कल छत की भराई हुई, आज इसके ऊपर पानी लगा दिया, ये देखो पानी थोड़ा थोड़ा जमा हुआ, लेकिन ये इसके ऊपर तकरीबन 4 इंच 5 इंच मैक्सिमम पानी खड़ा होना चाहिए, तकरीबन 10-15 रोज़ 12 रोज़ तक। इसके बाद फिर 2 से 3 दिन लगते हैं इसके जो पानी को खुश्क करने में, छत खुश्क करनी होती है, फिर इसके बाद जो नीचे शटरिंग लगी होती है वो उतारनी होती है। तो फ्रेंड, उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। ये मेरा गांव है, और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये टंकी बनी हुई है, ये मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। ये सामने जो टंकी नज़र आ रही हैं आप शायद, ये वो आगे आप बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये DHA बहावलपुर है, ये बिल्कुल हमारे पास ही है। ये देख ले हमारे बिल्कुल बस्ती चक के बिल्कुल ही पास है, बिल्कुल बैक साइड पे ये सारा DHA, इधर तक आगे इस साइड पे एयरपोर्ट है। तो अभी तो काम काफ़ी रहता है, तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो बना के अपलोड करता रहूँगा। तो पहले तो आपको पता भी है कि मेरे चैनल पर मैं फ़नी वीडियो बनाता था, तो एक दोस्त कहता यार आप ना उर्दू ज़ुबान में व्लॉग बनाया करें, आप उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं, तो बीच में जो आप पंजाबी ठोकते हैं तो हमारी खेल निकल गई है। इसीलिए मैंने कहा यार किसी को पसंद है मेरी आवाज़, तो चलो मुस्कुराते भी हैं। अच्छा यार, वो मैंने 5000 वाली जो आपको बात बताई थी, वो भी उस भी मैं उस भाई से जाऊंगा, आज मिल के आऊँगा, उसकी वीडियो बनाऊँगा। इस तरह हुआ था कि पहले एक मरतबा मैंने भी लड़के को ना रोटी लेने के लिए भेजा था होटल पर, तो थोड़ा रश की वजह से वो अंदर पंखे पे बैठ गया, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो उसकी आँख लग गई। उसके पास मोबाइल था, तो मोबाइल तो कीपैड वाला ही था, बटनों वाला, लेकिन मोबाइल आपको पता मोबाइल मोबाइल ही होता है, चाहे 1000 का हो 2000 का, वो दुकान पे ही रह गया। तो वो लड़का उधर कुर्सी पे छोड़ के रोटी उठा के आ गया, तो वो होटल वाले ने जो काम करता था लड़का होटल पर, उसने कहा कि भाई यार ये मोबाइल रह गया। तो जो होटल का मालिक था जिसने मेरा 5000 दिया कल ढूंढ के दिया, तो उसने मुझे कॉल की कि यार तो आपकी कोई चीज़ तो नहीं रह गई, मुझे तो खबर नहीं थी। मैंने कहा मैं मालूम करके बताता हूँ, कहता जो लड़का आपने रोटी लेने के लिए भेजा था उसकी कोई चीज़ गिर गई है तो वो बताए। तो फिर मैंने जैसे मालूम किया रात के 9 बज गए थे, दोपहर को मैंने भेजा था, उस लड़के को याद ही नहीं थी कि मेरा मोबाइल वहाँ पर होटल पर गिर गया, वो घर में ढूँढ रहा था, बोल रहा था मैंने चारे लगा के गया। तो जैसे ही वो मैंने उसे मालूम किया तो वो कहता मेरा मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ था, घर से गुम हो गया। मैंने उससे पूछा कि
उसकी कोई निशानी वगैरह दो, वो कह रहा है कि उसका जो कीपैड के है ना 6 या 4 या 9 का इस तरह का कोई 2 बटन है वो काम नहीं करते। फिर मैंने ऑटो वाले को कहा कि यार उसका लॉक खोलो, लॉक खोल के चेक करो, 6, 4, 9 के बटन काम करते हैं। कहता यार मुझे पक्का यकीन है कि ये मोबाइल आपके लड़के का है जो जिसको आपने भेजा था, वो मेरा कज़न था। तो उस दिन उसने मोबाइल दे दिया। फिर उसके बाद कल जो 5,000 वाला मसला बना था वो 5,000 भी उसी होटल से मिल गए थे। जी फ्रेंड ये देख रहे हैं ये बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। इसके ऊपर एक एक ईंट का जो होते हैं पंजाबी ज़बान में कहते हैं एक वार, ये लग चुका है। और इसके बाद ये ममटी है, ममटी भी की साइड पे भी लग गया है। और ये वाशरूम है और ये नीचे लड़का मसाला बना रहा है सीमेंट, ये तैयार हो रहा है। और इसके बाद आगे जो मरला मैं आपको वो दिखाऊंगा, इसके ऊपर मैं पानी कैसे छोड़ूंगा। सोलर वाली मोटर लगी हुई है, ये पैंप पड़ा हुआ है। तकरीबन एक घंटे के बाद इसके ऊपर पानी छोड़ देना है। और ये जो आप सरिये देख रहे हैं ये ऊपर जो चार दीवारी करते हैं ना, जितने भी जो भी हैं मेरा उनका ये मशवरा है कि तकरीबन एक एक सरिया 2-2 फुट पे होना चाहिए, क्योंकि उससे चारदीवारी को ख़तरा नहीं होता। जो पिलर बना के तो उस पर चारदीवारी किया करें, इस तरह मजबूत रहती है। अगर कंक्रीट की करवा लें तो वो बेहतर रहती है, वो सस्ती भी पड़ती है, ईंटों वाली महंगी पड़ती है। ये मेरा नीचे डिज़ाइन वाला था इसलिए मैंने ईंटों वाले करवाए। इसमें भी वो आप पिलर देख रहे हैं, ये पिलर में एक एक सरिया छोड़ा हुआ है, वो डिज़ाइन भी बना हुआ है। तो मेरा मशवरा यही है कि वो आप ज़रूर इस तरह का जो स्टील होता है सरिया ज़रूर छोड़ें, तो देखो चारों तरफ इसकी मजबूती होती है। जी फ्रेंड ये देखें ये मिस्त्री कितनी मुश्किल जगह में बैठ के ये जो आखिरी बार है ये लगा रहा है। ये सिर्फ पानी स्टोर करने के लिए, क्योंकि छत के ऊपर पानी स्टोर करना चाहिए। आरबीसी जो छत होती है उसके ऊपर पानी स्टोर करते हैं। किसी इलाके में तो ठंडे इलाके होते हैं वो भी पानी स्टोर करते हैं, लेकिन थोड़ा कम करते हैं क्योंकि वो बारिश होती रहती है। लेकिन जो हमारा जो इलाका है काफ़ी गर्म है, और यहाँ पर जो इतनी सूरत की है देखने, अभी तकरीबन 9 बजे हैं, इतनी गर्मी है। तकरीबन 1 घंटे में सारा पानी जज़ब हो जाता है। तकरीबन 4-4 इंच पानी खड़ा करेंगे तो फिर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। थोड़ा पानी करते हैं स्टोर तो वो 1 घंटे के अंदर ही ये छत जज़ब कर लेती है। ये तार लगा रहा है, अभी ये तार लगा रहा है और ये पानी आ गया। अभी ये पानी छोड़ रहा हूँ। तार ला तार, ये अभी थोड़ा पानी इसको लगाना है क्योंकि ताज़ा ये लगाया हुआ है।